लेकिन आज तगड़ा सीन हो गया भाई, धोखा कर दी मेरे सारा। दूर से देखा तो लगा क्रेटा है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय लोग मॉर्निंग भैया। और सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, रेडी हो चुका हूँ। और आज है वेडनेसडे, हैप्पी बसंत पंचमी टू एवरीवन। आपको क्या लगा हैप्पी वैलेंटाइंस डे बोल रहा हूँ? तो भैया हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन। दोनों चीज़ें हैं, बसंत पंचमी भी वैलेंटाइंस डे भी है। और दिन बहुत अच्छा है आज का, और शुरुआत देखो अच्छी हुई है। पूरा दिन अच्छा रहे, बढ़िया रहे, रात तक अच्छा दिन बीते बढ़िया रहेगा। और अभी फ़िलहाल ऑफिस चलूँगा ब्रेकफास्ट करके, उसके बाद मुझे एक वेडिंग है दिन की, पंजाबी वेडिंग है, अटेंड करेंगे दिन की। बहुत सालों बाद, मतलब बचपन में अटेंड करी, उसके बाद तो अटेंड करी नहीं भाई दिन की वेडिंग पंजाबियों की। अभी दिन की वेडिंग अटेंड करी थी मैंने, वो जानियों की थी, अब पंजाबी वाली वेडिंग अटेंड करूँगा। देखते हैं भाई कैसे रहेगी दिन की वेडिंग और क्या माहौल रहेगा। अब एक्सपेक्टेशन क्या होती है, रात को वेडिंग में से निकलते हैं तो बाहर लगता है क्या ही अंधेरा है, अंधेरा है, चलो घर ही जाना है। लेकिन अब क्या होगा भाई, मॉर्निंग भी मिलेगी, दिन भी मिलेगा, और घर आके चेंज करके काम में लग जाना है। दोबारा ऑफिस जाऊंगा भाई शादी से आने के बाद, घर पे थोड़ी रहूँगा। तो चलते हैं, देखते आज का क्या शेड्यूल रहता है। अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं और आपसे बातचीत करता हूँ भाई। और रेडी हो गया, सलून होके आया था और अब निकल गया हूँ शादी के लिए। दिन में शादी है तो भाई दिन में निकलूँगा ना, तो थोड़ा सा डिस्टेंस तो है, बस ये है कि दिन में ट्रैफिक ना मिले तो ज़्यादा बढ़िया है, टाइम से पहुँच जाऊँगा और शादी अटेंड करके टाइम से फिर घर पर आया हूँ। क्योंकि ऑफिस वगैरह का काम है थोड़ा सा, वो सब भी देखना है। अभी सब काम हम पेंडिंग में है, अभी तो थोड़ा सा ऑफिस का काम कर पाया था, कहीं जाने का तो शेड्यूल अभी बन ही नहीं पाया, तो अभी देखते हैं। फिलहाल जाम हम ना मिले, टाइम से पहुँच जाए तो उसके अकॉर्डिंग मैं टाइम से आ भी जाऊँ। तो अभी आगे चलता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको रास्ता दिखाता हूँ क्या माहौल है। तो भाई थोड़ा आगे आ गया हूँ अब, और पीछे बहुत जाम मिल गया था क्योंकि शादियाँ बहुत है आज यार। और मैं सोचा था दो तीन ही शादियों की, पंजाबी की शादी आज तो बहुत है, सारे बैंकेट फुल पड़े हैं, जाम इतना है, रात में शादियों में जाम होता था। और इस टाइम मैं आ गया हूँ दिल्ली की बिगेस्ट मार्केट, फर्नीचर मार्केट जिसे कहते हैं, कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट है। पूरी फर्नीचर मार्केट है, हर तरह का फर्नीचर मिलेगा आपको। घर को महल बनाना, महल बन जाएगा। बैंकेट बनाना, कुछ भी बनाना हो, एक से एक फर्नीचर मिलेंगे, उसी अकॉर्डिंग रेट भी होंगे, इन्हीं के रेट सस्ते मिलेंगे भाई, रेट तो उसी अकॉर्डिंग होंगे, चीज़ के अकॉर्डिंग। ये ऑटो वाला आ गया, आगे धीरे धीरे चल रहा है। अब बस सीधा सीधा जाना है, ये रूट एकदम सीधा है, मायापुरी जाना है मुझे, मायापुरी बैंकेट में। तो बस आगे रेलेट रेड क्रॉस करनी है, उसके बाद सीधा सीधा छोटी मोटी रेलेट पड़ती रहेगी, लेकिन जाना सीधा, कहीं मुड़ना नहीं है, और इसी रोड पे पड़ेगा, ये रामा रोड पड़ता है वैसे। और बस पहुँचता हूँ, देखते हैं कितनी देर लगती है, आगे और जाम वाम मिल जाए तो फिर थोड़ा आगे चल के फिर बात करते हैं। भाई वहाँ से निकल गया हूँ वेडिंग से अटेंड करके, थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था जाते हुए, आते हुए थोड़ा थोड़ा मिल तो रहा है। यूटर्न ही बहुत आगे था यार, बहुत दूर से यूटर्न लेके आया हूँ। अब देखता हूँ कितनी देर में पहुँचता हूँ आगे, और आगे कितना जाम मिलता है या नहीं मिलता। मेन तो सारा ट्रैफिक पर डिपेंड है, मुझे लगा दिन में खाली होगा बिल्कुल, रात तो दिन में भी ट्रैफिक पूरा मिल रहा है, रात में तो क्या यार होगा इधर, कोई रात को शादी में आएगा तो अब रेड लाइट हो गई। चलो भाई निकल गया, ग्रीन हो गई थी, और अभी ये देखो मोड़ है, टर्न ऐसा ही है, टर्न लेते रेड लाइट आ जाएगी। तो इधर कोई स्पीड में टर्न लेता बंदा ब्रेक मारे चला है, समझ नहीं आएगा। अब देखो टर्न पूरा होते ही तो रेड लाइट आ जाएगी आगे, लो जी रेड लाइट आ गई। तो इधर जाम हो तो बंदा तो घुस ही जाए, और यहाँ से सीधा जाना फर्नीचर मार्केट आ जाएगी। दिल्ली से पहले पहुँचता हूँ फिर आपसे बातचीत करता हूँ। भाई अभी निकला जरा आप लोगों से बातचीत करने के लिए, और शादी में से आने के बाद कहीं और जाना मेरा हुआ नहीं, वहाँ से आगे थोड़े से ऑफिस के काम थे वो सब करे हैं, और कल का देखते हैं क्या शेड्यूल रहेगा, क्योंकि आज प्रॉपर काम हो नहीं पाया, जो जो काम सोचे हुए थे उसके अकॉर्डिंग सारे काम नहीं कंप्लीट हो पाए मेरे, तो इसलिए कल देखते हैं क्या शेड्यूल बनाऊँगा, कल का कल कैसे बनेगा देखते हैं भाइयों। और अभी मैंने चलो बात करने निकल जाऊँ, अरे जो सी क्लास C200 ब्रेक लाइट सबसे बढ़िया आ रही है, फेस लिफ्ट है ना सारी नई, भाई इसकी शेप बहुत प्यारी लग रही है, ऑल फेवरेट ऊपर देखो बड़ी सनरूफ दे रखी है पैनोरामिक, गाड़ी ज़बरदस्त है भाई, मर्सिडीज की क्लास अलग ही निकल रही है आजकल, मर्सिडीज वाला पूरा ध्यान दे रहा गाड़ी पे, पैनोरामिक सनरूफ आ रही है सेडान में, बोल के ठीक है भाई, वन एंड ओनली सेडान कह सकते हो पैनोरामिक वाली, ये सेडान में पैनोरामिक सनरूफ बहुत रेयर है,
चलो जी आगे चलते हैं। ये देखो फॉर्चुनर, ये फॉर्चुनर की लाइट बढ़िया लगती है, मतलब लाइट लग पाते हैं वाली, बहुत प्यारी लगती है, मतलब बढ़िया लाइट है। और भाई और दिन तो ठीक गया, बढ़िया गया, और इवनिंग में आज कहीं जाना हुआ नहीं मेरा भी, मैं चलो थोड़ी सी राइडिंग कर लें। यहाँ देखो पहाड़ की, देखो वहीं पहाड़ कहाँ का आ गए यहाँ पर। इसके अलावा कल देखता हूँ कहाँ निकलूँगा, आज था वेडनेसडे, वेडनेसडे है, जैसे एक जगह जाना था काम से मुझे, बट आज इवनिंग का प्लानिंग ठीक नहीं है वहाँ जाने की, तो कल देखता हूँ जो काम आज इवनिंग में किसी क्लाइंट के बाद जाना ना, तो कल जाऊँगा, कल बात होगी तो कन्फर्म होगा, होगी अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं है जाने की। चल भाई किया मास्टर, यार दिन की शादी में ना कुछ पता ही लगता दिन कहाँ चला गया, पता ही नहीं लग रहा बिल्कुल, लिटरली नहीं पता लग रहा कि भाई दिन कहाँ गया, क्या किया पूरा, कुछ नहीं किया, टाइम पास किया कुछ नहीं किया, आज का तो होता है ऐसे चला गया दिन, बस खाली खाली प्लान, आज का देखा प्लान कटे, जैसे कहते हैं प्लान खाली दिन, हर तरह के दिनों ने ना ज्यादा दिन हो गया खाली दिन। क्या हो गया भाई रेलेट ख़राब होता है बीच में, आओगे क्या? ओ भाई रेलेट ख़राब होने का ये रिजल्ट है, सारा जाम यहाँ मिल रहा है, यहाँ भाई साइड से निकालता हूँ मैं तो, सर्विस लेन से, ये तो पूरा ब्लॉक पड़ा है। अरे यार यहाँ भाई साहब ने गाड़ी खोल के छोड़ रखी है, क्या हुआ यहाँ भी जाम है क्या? अरे यहाँ जाम मत लगा यार, दिक्कत हो जाएगी। ओ भाई की जू टू, ये भाई पुराने जमाने की जू टू, सर्विस लाइन का कितना फर्क पड़ेगा भाई, वो भाई सारे जाम बच गया, लगा वहीं खड़ा रहता अभी तक, तो मैं सर्विस लाइन बिल्कुल आगे आ गया है, और लाइट भी क्लीन हो ही जाएगी पार, 10 सेकंड है अभी तो, रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से पार करो भाई, पूरा जाम क्रॉस एक ही बार में, जाम क्रॉस इन वन टाइम, वन बार बोलने वाला था मैं, वन टाइम वन एंड ओनली जाम। ओ भाई यार गड़बड़ हो गई, आज मैं दिन में किसी काम से गया था पास, उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था, तो भाई एक्सीडेंट हुआ बड़ा तगड़ा, बाइक वाले ने पीछे से स्कूटी वाले ने मारी, एंटोक वाले ने, ओ भाई एंटोक वाला तो उड़ के गिरे दोनों बंदे, तो बाइक वाला भी गिर गया खड़े खड़े, क्या ज़बरदस्त टक्कर थी भाई, तो मैंने कहा हो गया पाना, वो लगा ऐसा था भाई लगी होगी बहुत ज़बरदस्त लगी होगी, पता नहीं क्या हो रहा, वो बाइक वाले की तो गलती नहीं थी, एंटोक वाला चलो मुझे स्पीड में था वो मान सकते हैं, लेकिन गलती ना प्रॉपर एंटोक वाले की भी नहीं थी, वो तो सीधे रोड के हिसाब से चला रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ से बंदे ने बाइक लाया, बाइक लाकर उसने यहाँ खड़ी कर बीच में आ गया, मतलब कि बाइक वाले एक अंकल थे वो फंस गए, तो उन्होंने बाइक उतर के अटकते हुए समझ लो, पीछे से एंटोक वाला उसने जगह नहीं, उसने सीधा अंकल में देखे बहुत। चलो भाई अर्टिगा क्या हो गया, गर्मी आना मैं लेता हूँ यहाँ से, ठीक है चलूँगी हमें पंद्रह आगे ब्रेजा जाएगी, और देख लेते हैं एक बार क्या ब्रेजा है, टेंट बिता रहा नहीं है यार, कभी फल तो मैं घूमूँ इतना लंबा, भाई क्रेटा लग रही है इसलिए मैं आया हूँ आगे, तो आपसे मिलवा था तो मैं चलता यूँ कर। अरे यार ट्रेन भी जा रहा है तो, ये क्या हो गया, लंबा रूट हो गया ट्रेटा के चक्कर से, उसके बाद तुम भाई ट्रेन भी जा रहा है, उसके बाद इतना लंबा यू कर लेना पड़ेगा अपने ऊपर किसी गाड़ी के चक्कर में, आता हुआ जाता भाई ट्रेन के बाहर, लंबा था क्या आगे जाम लग रहा है मेरे तो, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, डेटा फेस लिख देंगे चक्कर से, ये सीन हो गया मेरा तो आज। चलो यार ग्रीन तो हो गई, तुम मेरे को क्रॉस करने देंगे या नहीं देंगे, क्रेटा के चक्कर से आज तो गड़बड़ ही हो गई, धोखा हो गया। चलो भाई पीछे भाई सल्टो निकाल ले, रेड होने वाली है, मेरे को यूटर लेना है, मैं यूटर लूँ, जाओ उसको जाने जाना है।
हाँ धोखा हो गया, क्रेटा के चक्कर से मेरे साथ, क्रेटा के चक्कर से पैंट पिटारा निकल गई। दूर से देखा तो लगा क्रेटा, पास जाकर पैंट पिटारा। बाइक के भी लाल लाइट जला दी, तगड़े सीन हो गए भाई। आप तो भाई थोड़ी भाई रे तगड़ा सीन हो गया भाई, धोखा कर दी मेरे सारा। दूर से देखा तो लगा क्रेटा है फेसलिफ्ट, वहाँ जाके देखा तो ग्रैंड विटारा निकली। बहुत तगड़ा सीन हुआ ये तो मेरे को डाउट हो गया था, तो मैंने कहा चलते हैं देखी जाएगी, वो देखी जाएगी देखी जाएगी। इतना लंबा रूट काटना पड़ गया मेरे को उसके चक्कर से, क्या पता मैंने फिर भी रास्ता कवर कर लिया भाई मैंने। पहुंचता हूँ मैं घर, कॉल भी आ रही है, उसके बाद आपसे बातचीत करता हूँ। भाइयों आ गया हूँ घर पर और भाई भाई पार्क कर दिया है और अब डिनर करूँगा और ब्लॉग को एडिट करूँगा। तो चलते हैं भाइयों, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं, कल मिलेंगे नए वीडियो पर नई बातें हो सर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखना, कल मिलते हैं, बाय।